आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। अब अपराध को भी छुपाने में पटना पुलिस झूठ का सहारा लेने लगी। बता दें कि 21 दिसंबर को एक व्यवसाय से सोना लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। जब पत्रकार इस खबर की पुष्टि के लिए एसएसपी पटना को फ़ोन करते हैं तो एसएसपी ने साफ तौर पर कहते हैं कि ये घटना घटी ही नहीं। लेकिन आज उसी कांड के उद्भेदन को लेकर खुद पटना एसएसपी मीडिया से रूबरू होते हैं। बता दें कि अपराधियों के साथ घटना में उपयुक्त हथियार और सोना को भी बरामद किया गया है। मामला शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की है। बरामद जो है सामान से एक सेकंड भाई। अरे यार, वो राजवंशी नगर चाय दुकान पे चाय पीने आते थे, वहाँ से घर जाने के क्रम में उनके द्वारा लूटपाट हुई थी और काफ़ी मात्रा में उनके जेवरात लूट लिए गए थे। उस संबंध में एक FIR दर्ज किया गया था और हम लोगों ने बड़े ही स्पीडीज का डिटेक्शन किया है। विद इन 8 डेज उस केस को उद्भेदित कर दिया गया है और सभी अपराधी पकड़े गए हैं। केस में जितना भी अपराधी इन्वॉल्व था और जो भी हथियार प्रयोग में लाया गया था उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। लगभग 400 ग्राम सोना बरामद हुआ है और लूट के सोने में से कुछ सोना इन लोगों ने बेच दिया था और उस संबंध में इन लोगों को लगभग 100 ग्राम सोना बेचने पे 4 लाख रुपए इन लोगों को मिले थे, जिसमें से कुछ पैसे इन्होंने खर्च किए। 2,93,000 रुपये कैश हम लोगों ने सीज किया है। टोटल 5 अपराध कर्मी हैं, जिसमें से एक कुख्यात है और पहले से वांटेड रहा है। बाढ़ के एक मर्डर केस में जो कि जून 2020 में घटित हुई थी, उसमें ये वांछित था। इसके अलावा शास्त्री नगर में जो लूट का केस है जो अभी फिलहाल में 21 तारीख को हुआ था, जिस संबंध में PC की जा रही, उसमें ये जेल जा रहा है। और एक और केस है जिसमें अभी हम लोग के इन लोगों के पास हम लोगों ने आम से बरामद किया है। पांचों अपराधियों को शास्त्री नगर पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी चारों का हम लोग और खंगाल रहे हैं। चूंकि रुबाड़ अनुमंडल के रहने वाले हैं सभी के सभी, तो वहाँ और नालंदा और बेगूसराय से संपर्क साधा जा रहा है कि इनका कहीं और आपराधिक इतिहास हो सकता है। पटना से कृष्ण कुमार के साथ विवेक रॉय, सनमार्ग लाइव 7, पटना।